दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में फिजूल खर्ची के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में किसी भी तरह का फिजूल खर्च नहीं हो रहा है। इस कार्यक्रम के तहत मंत्री गांव में जाकर आम जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, वहीं आम लोगों द्वारा ही खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। किसी भी तरह का मंच नहीं सजाया जाता है और ना ही फिजूल खर्ची की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के काम कर रही है या नहीं, ये जनता ही बताएगी। बताएगी ना, पैसा नहीं है, हम पैसे का सदुपयोग कर रहे हैं, हम पैसे का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। हम सरकार जनता के द्वार में कोई ज्यादा पैसा नहीं लगा रहे हैं, और जो वहाँ खाना खा रहे ना, वो भी लोग अपने हमारे लोगों द्वारा खाना खिलाया जा रहा है, सरकार के पैसे द्वारा खाना नहीं खिलाया जा रहा है। हम प्रदेश में लोगों की सेवा के लिए आए हैं। मैंने बार बार कहा है कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं, हम लोगों की सेवा के लिए आए हैं। सर, DGP मामले में जो है SIT का गठन नहीं हुआ, हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे। हाईकोर्ट ने आदेश दिए है, हाईकोर्ट के आदेशों का हमेशा हमने पालन किया है। SIT का गठन करेंगे और 29 फरवरी तक हमने जवाब देना है। हम सब बातों को सोच विचार करके आगे बढ़ रहे हैं। दोबारा DGP के तौर पर तो आए हैं, लेकिन कोई आदेश उस पर नहीं आए सरकार की तरफ से। नहीं, दोबारा DGP के पद पर उनकी नियुक्ति हमने कर दी गई है। और सर, सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम पर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है, कह रहा है कि मुख्यमंत्री अलग तरीके से चिट्ठियां पकड़ रहे हैं, लेकिन उन चिट्ठियों का निपटारा कब होगा ये भी तो बात है। अब उनको तो कहना है कुछ, कभी बोलते हैं हमारी MLA फंड बंद हो गया, हम प्लानिंग की मीटिंग में नहीं आएंगे, आज बोल रहे हैं कि उनकी निपटारा कब होगा। हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की सरकार की कोशिश है। हम व्यवस्था परिवर्तन भी कर रहे हैं, नियम भी बदल रहे हैं, और लोगों की सुविधा के लिए हम जो भी हो सकता है उस चीज़ों को करने के लिए हम तैयार है, और इसमें उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनकी विधानसभा क्षेत्र में भी हमारे जो कार्यक्रम है वो पहुँच रहे हैं, और उन वहाँ के विधानसभा क्षेत्र के लोगों को भी बड़ा जो भी है उनके द्वारा हमारे पास एप्लीकेशन लाए जाते हैं उसको दूर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।